हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रीमी अवोकाडो शेक बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये दो मीडियम साइज के अवोकाडो लिए हैं। इसको इसके टिप को हटा के देखते हैं तो ये एकदम से निकल जाती है। इसका मतलब है कि ये अच्छे पके हुए हैं। जब हम इनको चूज़ करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये ग्रीन ना हो और ना ही बहुत दबाने से बहुत इजीली दब रहे हों। जैसे आम होते हैं बाहर से, उस तरह के ही कुछ ये होते हैं तो अंदर से सही निकलते हैं। इसके सीड को हटा के और हमने इसके सारे पल्प को निकाल के एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिए हैं और फिर हम इसमें 400 ml मिल्क डालेंगे। इसमें मैंने 2 चम्मच भर के मिल्क मेड डाला है। आप मिल्क मेड की जगह पर 2 टीस्पून शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको मिक्सर ग्राइंडर में चला लिया है। फिर 2 आइस क्यूब डालकर इसको एक बार फिर से चला लिया है। फिर हम इसको ग्लास में सर्व कर देंगे। बीच में थोड़े से क्रश्ड आलमंड्स इसके बीच में मैंने डाले हैं। और फिर ये डालकर फिर से इसके ऊपर वापस हम एवोकाडो पल्प को डाल देंगे और लास्ट में हम इसको वापस कटे हुए आमंड्स के साथ सर्व कर देंगे। तो तैयार है हमारा क्रीमी डिलीशियस एवोकाडो शेक।